निशा जी, आप बताइए कि क्यों अभी आपको वहां डोमिसाइल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड नहीं मिला है, क्या बोला जाता है आपसे जब जाते हैं तो? असल में जब भी मैं डीसी ऑफिस या तहसील में जाती हूँ कि मेरा वोटर आईडी बना दें, डोमिसाइल बना दें, तो वो पहले बोलते हैं ना हस्बैंड की आइडेंटिटी कार्ड लाओ। अगर हस्बैंड नहीं दे, चीजें छुपाते हैं, नहीं देते हैं, नहीं बनना देना चाहते हैं, तो क्या नहीं बनेगा? मैंने पिछले 5-6 सालों से मैं चक्कर काट रही हूँ, लेकिन बन के नहीं दिया आज तक। बस यही बात है कि उसका आधार कार्ड लाओ, वहां उनका जो राशन कार्ड है उसमें तुम्हारा नाम ऐड है कि नहीं वो दिखाओ, तब बनाएंगे। आपकी शादी को कितने साल हो गए निशाद तो जी? 10 साल हो रहे हैं, 2014 में हुई थी। 10 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर, कश्मीर में रहते हुए मतलब आपको। बिल्कुल तो अभी जो वहां अधिकारी हैं, आपको क्या लगता है कि वो ऐसा तो नहीं है कोई रिश्वत लेने के लिए या किसी गलत तरीके से दूसरे रास्ते से बनाने की बात चलती हो? नहीं, ये सब नहीं करते हैं, लेकिन बाहर के होने की वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम करते हैं कि आपके पास आइडेंटिटी नहीं है, आप यहाँ की नहीं है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वरना आपका नहीं बनेगा। बाहर से हैं इसलिए नहीं होगा। मतलब शादी इसी हुई वजह आपके से कि पास? आपकी शादी वहां हुई है और आप जम्मू कश्मीर से बाहर से हैं, इसलिए हाँ, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा, ना वोटर आईडी बन रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया, और फिर मेरा इलेक्शन का भी पैशन था, मैं सोच रही थी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, फिर भी मैंने बहुत चक्कर काटे, लेकिन उन्होंने नहीं बना के दिया। बस यही एक रट लगा रखी है, उसका लेके आओ तो कहाँ से लाए, जब इंसान बनने नहीं संजय देना जी, चाहता है, बेटा नहीं है। जी, आप देख रहे हैं सुन रहे हैं कि उन्हें 10 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर में रहते हुए। क्या ये बदलाव निषाद आरा जी की ये स्टोरी है जो आज हम बता रहे हैं कि किस तरह से अभी भी महिलाओं के साथ वहां बराबर का व्यवहार नहीं हो रहा है? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे अभी भी सिस्टम पर उन्हीं लोगों का कब्जा है जो अभी भी महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देना चाहते। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनकी शादी कश्मीर में हुई है और वो कई सालों से कश्मीर में रहती हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कश्मीर में न राशन कार्ड मिला है, न वोटर आईडी कार्ड और न ही मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आखिर अभी भी जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये आर्टिकल 370 और 35A इसको एब्रोगेट किया गया तो उस वक्त कुछ समय तक क्या था, हमने सीधा खुला रखा था कि जो भी जम्मू कश्मीर में नागरिक हैं, जो भी चाहे भारत के नागरिक हैं जो जम्मू कश्मीर में काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं या जम्मू कश्मीर में जो लोग सर्विस करते हैं या जिनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उन सभी को जो है जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाएगा। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि भारत सरकार ने को जो वहां के लोग थे, खसूसी तौर पर कश्मीर के लोग जो थे, उनका प्रेशर पड़ा कि क्योंकि इस तरह 370 और 35A हटने के बाद क्या था कि ये खुला था मैदान सबको, जम्मू कश्मीर की कोई भी जो भी व्यक्ति आए उसको नागरिकता मिल सकती थी, वो जमीन जायदाद खरीद सकता था और उसके अलावा वहां पर उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी जो 35A आर्टिकल 35A जो है वो बैन करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सरकार ने एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो है वो इनकलकेट कर दिया, जी डोमिसाइल होना चाहिए। अब डोमिसाइल क्या है कि आदमी वहां पर रेजिडेंट ओनर, वहां का रेजिडेंट होना चाहिए। ए पर्सन हु हैज हु रिजाइडेड फॉर 15 years इन J&K एंड देयर चिल्ड्रन, जो व्यक्ति वहां पर 15 साल रहेगा या उसके बच्चे, उसी को डोमिसाइल जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब ये एक किस्म की एम्बार्गो लगा दी उन्होंने कि नहीं भाई, इस तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है जब तक आप 15 साल वहां पर नहीं रहेंगे। तो मेरी ये जो बहन जी हैं, ये निशात आरा जी, इनको यही चीज जो है वो उसमें बाधा आ रही है। लेकिन संजय जी, यहाँ एक सवाल है कि जो महिला जिसने शादी की है, हाँ जिसका जी, हाँ जी, परिवार अब जम्मू कश्मीर ही हो गया है, जिस जी महिला ने वहां शादी करके अपनी सब कुछ जिंदगी वहां गुजारनी है, क्या वो वोट करने का अधिकार वहां नहीं मिलेगा उसको? मैं वही कह रहा हूं, जब पाकिस्तान से यासीन मलिक ने शादी की या पाकिस्तान से जो लोग वहां पर शादी करके आते थे उनको एकदम स्टेट सब्जेक्ट दिया जाता था, क्योंकि ये कंडीशन थी कि हमारी बहनें जो जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती थी,
जो शादी बाहर होती थी जम्मू कश्मीर से, उनका जो पीआरसी है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कैंसिल किया जाता था। लेकिन जो भारत के या किसी भी कंट्री से बाहर से शादी होती थी तो उसको तो पीआरसी उसका बन जाता था। लेकिन अब ये भारत सरकार ने ये जो ये कंडीशन रखी है कि 15 साल रहना चाहिए उनके बच्चे, या वहां पर सात साल पढ़ना चाहिए, 10th और 12th का एग्जाम देना चाहिए, उसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। और साथ में क्या उन्होंने ये कंडीशन रखी है, Clause 2B Rule 5 में ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे बेंजी ने कहा कि राशन कार्ड चाहिए आपको, आपकी एंट्री राशन कार्ड में होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी वहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट वहां पर होना चाहिए, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेबर कार्ड होना चाहिए, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, ये चीजें इनमें से कोई एक होना चाहिए वहां का, तभी आपको वहां का रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जिसको कहते हैं, ये मिलेगा। लेकिन है सर, तो वो तो जैसे कोई बाहर से जॉब करने के लिए गए हैं ना, उनके लिए कंडीशन है। अगर शादी की है, अगर वो मुझे अपना स्टेट सब्जेक्ट देता है, आधार कार्ड देता है, तो वो बना देंगे फौरन। लेकिन अब मेरे पास शादी का ये निकाहनामा तो है ही ना, यहाँ का आधार कार्ड मतलब मेरा बाहर का था, वो मैंने जो है यहाँ पे एड्रेस चेंज कर दिया था, तो आधार कार्ड भी अवेलेबल है, लेकिन अब वोटर आईडी नहीं बनाते हैं वो। इन्होंने जो वो कंडीशन रख दी है ना 15 साल की, वो सबके ऊपर जो है वो अप्लाई कर रही है। मतलब शादी भी अगर कोई लड़की वहां कर लेगी तो उसे उन्होंने उस चीज की क्लैरिटी नहीं की है यहाँ पर। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से लड़कियां, पाकिस्तानी लड़कियां जम्मू कश्मीर में शादी कर रही हैं, उनको तो तुरंत नागरिकता, मतलब नागरिकता क्या जो सारी चीजें हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट से लेकर सब मिल जा रहा है। पहले मिलती थी, अब का नहीं पता है, पहले मिलती थी। और मेरा ख्याल अगर ये रिट करें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ये रिट करें कि ये उनका जो राइट है, इनका जो राइट है दैट गेट्स इनफ्रिंज्ड इस लॉ के कारण जो है, सिंस शी हैज मैरिड ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पर की वो परमानेंट यहाँ की नागरिक बन चुकी हैं, इनका सर्टिफिकेट जो है वो बनना चाहिए, जबकि ये 15 साल का जो ये है इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये टोटल डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि जब हमने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, 35A खत्म कर दिया, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जो हमारी बहनें बच्चियां जो बाहर से रेस्ट ऑफ इंडिया से जिनकी शादी यहाँ पर हुई है उनको जो जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए कि अगर उनको कैसे नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर एजुकेशन लेनी है उन्होंने, या कल एम्प्लॉयमेंट लेनी है उन्होंने, या कल यहाँ पर वो कोई और काम करती हैं, तो वो कैसे करेंगी? जब तक उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो मेरा ख्याल है सरकार को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए, इस मैटर को जो है वो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि जब हमारी बच्चियां जो बाहर से आ रही हैं, भारत की बच्चियां यहाँ पर आ रही हैं, उनका जो है उनको प्रायोरिटी पर उनको डोमिसाइल मिलना चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ के रहने से ये तो कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये थोड़ी है कि ALC पर आपको 15 साल रहना है तो फिर आपको ALC मिलेगा, या आपको कोई बैकवर्ड एरिया में रहते हैं तो आपको 15 साल रहना है तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये इसका उस चीज से कोई तल्लुक नहीं है, ये तो सिंपल डोमिसाइल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिंपल कीजिए, ये यहाँ की रेजिडेंट है जबकि ये वहां पर रह रही है, इनकी शादी वहां पर हुई तो इनको कैसे डिनाई किया जा सकता है, क्योंकि शी इज नॉट डिमांडिंग एनी रिजर्वेशन या ALC पर जी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की रिजर्वेशन इनको चाहिए, या SC ST गुजर खाते में आना है इन्होंने, या बैकवर्ड रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया में आना है जहां पर 15 साल इन्हें रखा हुआ है रहने का होना चाहिए, ये तो शी इज नॉट डिमांडिंग दैट। ये तो डिमांड कर रही है भैया सिंस आई एम मैरिड हियर मेरे ये राइट बनते हैं, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं, कल मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कल मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूं,
मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, मैं कल कोई काम करना चाहती हूँ, मुझे आप उसकी परमिशन नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनका राइट है आर्टिकल 16, वो उसकी जो है ये सीधी सीधी इन्फ्रिंजमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी। अच्छा निशा जी ये बताइए कि और भी ऐसे केसेस होंगे आपके जैसे जिन्होंने बाहर, मतलब जो कश्मीर से बाहर की लड़कियां हैं दूसरे स्टेट की, उन्होंने कश्मीर में शादी की होगी, क्या उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे आपके संज्ञान में है? मुझे कुछ लड़कियां मिली थी कभी ट्रेवल में या कुछ है, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। उनका भी, उनको तो बच्चे भी हैं, कई कई बच्चे भी हैं, उम्र भी हो गई है, मतलब लड़कियां ही हैं, ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि हमारा ये वोटर आईडी और डोमेसाइल अभी तक नहीं बना हुआ है, बच्चों का बन गया है लेकिन उनका नहीं बना हुआ है। बाद में उनसे कोई राबता नहीं है इसलिए पता नहीं चला, लेकिन उनको कम से कम 10-15 साल हो चुके हैं यहाँ पे। यही सब, मतलब ज्यादातर ये प्रॉब्लम है बाहर के लड़कियां जो है ना, वो अगर हस्बैंड ना दे तो चीजें नहीं बनती हैं। तो और जबकि सब लोग जानते हैं ये इनकी वाइफ है, पूरा इलाका जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, निकाह नामा होता है, सब कुछ है, लेकिन नहीं बना के देते हैं वो। मैं भी 6 साल से लगातार कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं बन रहा है। लेकिन मुझे इसमें यही लगता है कि ये आपके माध्यम से जो हमारी एलजी सरकार है इस विषय का संज्ञान लेगी, उसको कॉग्निजेंस लेनी पड़ेगी। कई बार मैंने सोचा था कि मैं एलजी साहब के वॉल पे भी ये चीज लिखूं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि कोर्ट केसेस में मैं, मुझे बहुत तंग किया हुआ है पिछले 8 साल से, मेरे ऊपर इतने एलिगेशंस लगा के कोर्टों में खींचा हुआ है, मेरी फैमिली को, हम लोग बहुत हरास्ड हैं, मेरी फैमिली भी पूरी डिस्टर्ब रहती है लखनऊ में, मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ 8-9 साल हो रहा है, उसमें भी रिलीफ मिलती है लेकिन नई प्रॉब्लम फिर खड़ी हो जाती है हर तरफ से, कभी इस पुलिस स्टेशन, कभी आईजी, कभी डीवाईएसपी, पता नहीं कहाँ कहाँ एलजी ग्रेवेंस, हर जगह से कंप्लेन, हर जगह से हरासमेंट है, बहुत ज्यादा जीना हराम करके रखा हुआ है। तो सब लोग तो जानते ही हैं, फिर इसके बावजूद भी मुझे यहाँ जो ये डोमिसाइल नहीं बनने देते हैं, ना वोटर आईडी, मुझे वोट डालने का भी बहुत शौक है, अब वहां पे भी ये भी नहीं हो पाया। मैं कई बार मैंने सोचा मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगी लेकिन बन के ही नहीं देता। देखें ये तो राजेश जी आप देख रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है तंत्र बदल गया है, 370 के बाद बदला है, लेकिन अभी भी उस विचारधारा के लोग सिस्टम में हैं। जो हमारा तंत्र है अभी भी वैसे लोगों के हाथ में है जो नहीं चाहते हैं कि यहां से कोई बाहर। देखें ये खातून जो है मुस्लिम खातून है, इन्होंने लीगली मैरिज किया है यहां पर। आप खुद सोचें कि अगर जो इन लोगों की किस किस्म की सोच है कश्मीर में, लीगली वेडेड वाइफ है वहां पर, भारत से हैं, लेकिन तंत्र के जो लोग हैं इनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट से, मैं एलजी सरकार जो हमारी जम्मू कश्मीर की है, सिन्हा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सिन्हा साहब अगर इस किस्म के केसेस हैं इनको प्रायोरिटी बेसिस पर इनकी कम से कम रिलैक्सेशन करनी चाहिए कि इतना टाइम रखें। आपने 15 साल का टाइम रखा हुआ है, 15 साल में तो आदमी बूढ़ा हो जाएगा और 15 साल के अंदर अंदर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ना उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ना वो काम करने लायक रहेगा। अगर 20 साल की उम्र में मैरिज होती है, 25 में आजकल मैरिज होती है, 40 साल हो गई उसकी उम्र, 40 साल में उसको यहाँ पर डोमिसाइल सर्ट, तो उसकी लाइफ खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल एलजी साहब को इन केसेस में प्रायोरिटी बेसिस पर देखें, आप लीगली इसका संज्ञान लें, कॉग्निजेंस लें इसकी, इसमें लीगली आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से लड़की कोई विदेश से नहीं आई है, भारत से ही आई है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है, एक हिस्सा है, भारत की एक यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नीचे आती है। तो अगर यूपी से लड़की यहाँ पर, लखनऊ से लड़की हमारी यहाँ पर आई हुई है, तो अगर उसको यहाँ की डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो देन दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये तो बहुत बदकिस्मती है, क्यों नहीं मिलेगा उसको? कानूनी तौर पर जो है आर्टिकल 16 जो है राइट टू इक्वालिटी देता है, तो
तो राइट टू इक्वलिटी तो ये खत्म हो गया। इसका मतलब है ये डायरेक्ट जो है इंफ्रिंजमेंट है किसकी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी इंफ्रिंजमेंट है, फंडामेंटल राइट्स की इंफ्रिंजमेंट है। तो मेरा ख्याल मोहतरमा, यदि आप एलजी साहब के ग्रीवेंस सेल में कुछ आप ये अपना लेटर लिखकर वहां पर उसमें डाल दें, मुझे पूरी आशा है कि वो इसका संज्ञान लेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है, आप होम मिनिस्ट्री में लिख सकती हैं, उसके अलावा आप जो आखिरी जो आपका रिजॉर्ट है वो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर है, जिसमें रिट पिटीशन होती है कि भाई ऐसे ऐसे है कि मुझे ये ना डोमिसाइल दे रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, मैं कंटेस्ट करना चाहती हूँ, आई एम लीगली वेडिड मैरिड, ये कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसके कारण जो है मुझे जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है।